पाकिस्तान में ऐसे तो पत्रकारों की कोई कमी नहीं है, फीमेल पत्रकार भी है, मेल पत्रकार भी है, लेकिन पाकिस्तान की एक फीमेल पत्रकार को दिमाग में चढ़ी है एक अजीबोगरीब फितूरी, और वो फितूरी क्या है? अच्छा सुनो, बोलो ना, बोलो। हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो बरसों से चलता आ रहा है, पाक और हिंद के दरमियान होने वाले इख्तलाफात क्या एक ऐसा मोड़ लाएंगे जहां हो सकती है एक और जंग। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। अब मैडम को ये जानना है पाकिस्तानी आवाम से कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो तो कौन जीतेगा? पाकिस्तान के पास जो मसले मिसाइल है और जो भारत के मसले मिसाइल है, कौन किस पे भारी पड़ेगा? इसकी तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि ये बात करने लायक चीज ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा मजा जो है वो है पाकिस्तान की आवाम, और ये सारे जाहिल पाकिस्तानी सिर्फ अब एक ही काम के रह गए, वो है आपका और मेरा मनोरंजन करने के। तो युद्ध वुद्ध की बातें तो हम करेंगे नहीं, ये लोग करेंगे हमारा मनोरंजन। तो चलते हैं पाकिस्तान। हम जानेंगे पाकिस्तानी आवाम से, लेंगे उनके मजेदार रिएक्शन। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कर सकते। कैसे? ये है कि पाकिस्तान एक ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी भी आज के बाद। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। ये है कि पाकिस्तान एक ऑटोमेटिक एटोमी एटोमी एटोमी। अरे भाई बोलना क्या चाह रहा है, पहले एटोमी बोलना तो सीख ले फिर युद्ध की बात। ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी भी आज के बाद एनर्जी भी है। एटम बम बोलते हैं उसको। ओके, मेरे से ट्यूशन लेने आ जाना। नहीं। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल भी हैं। अच्छा, गन्स भी हैं, ग्रेनेड्स भी हैं। अच्छा, और मुख्तलिफ किस्म के। क्या इंडिया के पास नहीं है? इंडिया के पास भी हैं, लेकिन वो उनका उनकी फौज अफवाज जो है, पाकिस्तान की फौज और उनकी फौज में बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क है। पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की फौज में जमीन आसमान का फर्क है भाई। पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर करती है और हिंदुस्तान की आर्मी सरेंडर करवाती है। We stay here dead or alive. We fight it out to the last. But a lot of men might die. It's the price of the freedom. To stand the fighting chance of... Pakistan will stay, yes. Inshallah we'll stay. Pakistan! तो बस भाई यही फर्क है। लेकिन जो इस्लामी ममालिक है ना, उनके अंदर अल्लाह पाक ने जज्बा पैदा किया हुआ है और वो हर एक दुश्मन से लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल होगी। और अगर होगी तो आपको क्या लगता है, क्या हम इस काबिल हैं कि हम उनसे जंग का मुंह तोड़ जवाब दे सके? जी करेंगे पूरा। कैसे लड़ेंगे? क्यों नहीं, कोई ऐसा मसला। लड़ेंगे, ये लड़ेंगे हमसे। हालत तो देखिए भैया, आप हालत देखिए, और ये लड़ने के काबिल है क्या बताओ? अगर ये लेडी भी इसको चाटा मार दे ना तो यही धराशायी हो जाए। ये लड़ेंगे। हमारे पास इतनी सहूलियत मौजूद है इस वक्त, इंशाल्लाह सब कुछ है हमारे पास। आपको नहीं लगता हमारे मुल्क में तो आपस की जंग छिड़ी हुई, हम किसी और से जंग क्या करेंगे? ये मैम पता क्या है, पहले वक़्त में भी जंगें होती रही हैं, ठीक है, पहले लकड़ियों के साथ, तलवारों के साथ, अब भी अगर कोई ना चीज हुई तो बंदा इन चीजों के साथ लड़ ले। चार जंगें हुई हैं, पाकिस्तान किसी में फतह हासिल नहीं कर सका, तो अब आपको किस चीज के बलबूते पे उम्मीद है? अल्लाह खैर करेगा, वो आप टेंशन ना ले। जो अल्लाह ने खैर पिछली चार जंगों में क्यों नहीं की? बोलती बंद। जब हमारा जज्बा बुलंद होगा ना तो हम जो सेना ये जंग जीत जाएंगे मैम। क्या बात है, जंग जीत जाएंगे? तो आप कहने वाले कहना चाह रहे हैं कि पिछली जंगों में लोगों के अंदर जज्बा नहीं था? पहले भी था, फिर ठीक है, बस हिकमत अमली जो सी थी ना वो ठीक नहीं थी। बस वो ठीक नहीं थी, जज्बा था, अल्लाह की बरकत थी, सब कुछ था, लेकिन बस वो हिकमत अमली वो सही नहीं थी। चल बस लायक है क्या? तो वो क्या, अब कहाँ से आई? अब तो आपस में आप देखें जंग के भी तासुरात ही दूर तक हैं, उससे पहले ही लोग आपस में लड़के, अवाम महंगाई से तंग है, हुक्मरान आपस में जो है ना कुर्सी के पीछे लड़ लड़ के मर रहे हैं। तो इस सब में आपको नहीं लगता, अगर दूसरी साइड पे इंडिया को देखें तो इंडिया पे तीसरी हुकूमत भी मोदी सरदार की सरकार की आने वाली है? क्या 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 बैतलो बैतलो क्या क्या क्या? तो इंडिया पे तीसरी हुकूमत भी मोदी सरदार की सरकार की आने वाली है। डिक्लेयर हो गया भाई, पाकिस्तान से भविष्यवाणी हो गई है। क्लियर हो गया भैया, क्लियर हो गया। राहुल गांधी जी आप जाओ घूमने के लिए। एक ही बंदा हुकूमत किया जा रहा है, उसको पता है मैंने मुल्क कैसे चलाना है, मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। और यहाँ पे
दिन हुकूमत और होती है, रात और होती है। देखें इस दफा जो इलेक्शन होगा ना वो हमारे हक में इंशाल्लाह होगा, जो होगा बेहतर ही होगा। अब आवाम को पता चल गया कि कौन सी गवर्नमेंट ठीक आएगी, ठीक तो हम उसके बलबूते पे जंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी तो बिल्कुल जो है ना जीरो पे इकोनॉमी चली गई है, मतलब हमारे पास अब जेबों में कुछ नहीं बचा। बिल्कुल, तो थे वो हमने पेट्रोल डलवा लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। जंग के लिए तो अच्छे अच्छे सरमायादार मुल्क जो है वो जीरो पे आ जाते हैं, हीरो से जीरो बन जाते हैं, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। कोई नहीं, इंशाल्लाह हमारे पास जज्बा तो है ना। ये पाकिस्तानी पता नहीं कौन से जज्बे की बात करते हैं, इनको इनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से धराशायी है, इनकी आर्मी पूरी तरीके से करप्ट है, और इनकी जो पाकिस्तानी आवाम है पूरी तरीके से जाहिल है। अबे साले, तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया जो हर पाकिस्तानी जज्बे की बात कर रहा होता है वो ये इनका ये जज्बा यूज कहाँ किया जा रहा है, इसको ये यूटिलाइज कर कहाँ रहे, ये इन्वेस्ट हो कहाँ रहा है। भाई सबसे बड़ा सवाल तो यही है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आपने अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो हम जवाब का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। देखना चाहोगे इनका एक्शन क्या था। जी इंशाल्लाह। किस चीज को देख के आप ये कह रहे हैं? हमारी जो इकोनॉमी अगर हम देखें, अपनी जीडीपी देखें, हमारी कमजोर है लेकिन इंशाल्लाह वो फ्यूचर में जो है वो ग्रो कर रही है और मजबूत हो जाएगी, प्लस जो हमारी दिफाई ताकत है वो बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह इंडिया हमारे आगे कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें सुन के 13 साल के बच्चे मुंह पे थूक के चले जाते। इंडिया हमारे आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या पिछली जो इतनी जंगें हुई उसमें पाकिस्तान की सारी ताकतें कहाँ थी, उसमें पाकिस्तान हमेशा शिकस्त पे ही क्यों रहा है? नहीं, 99 में हमने उन्हें फतह कर लिया था, वो कुछ आई थिंक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था फौज का और सियासी हुकूमत का, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। 99 में हमने इंडिया में कारगिल फतह कर लिया था, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से जो है वो बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला। अब मेरा ख्याल है हम मुकाबला इंडिया का तो कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इतने अरसे से जो हमने तैयारी की हुई है वो इंडिया के लिए की हुई है कि हर कोई अपने डोमेन में रहे, ये मुल्क जो है वो इतनी ऊपर जा सकता है जिसका। ठीक है, आप बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि जा सकता है, लेकिन अभी तक हमें ज़्यादा हुआ नज़र नहीं आ रहा, अंदर ही बहुत सारे इख्तलाफात आपस में लोगों के चल रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पर अगर इंडिया देखें तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की वाला हाल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। ऐसे में अगर हम उनसे जंग करते हैं तो आपको नहीं लगता बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी? मैं मुझे फिलहाल कोई ख़तरा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अगर कोई मतलब जंग होती है पाकिस्तान इंशाल्लाह मुकाबला कर लेगा उसका, जज्बे से कर सकता है, बाकी हमारे पास नहीं, हमारे पास डेटरेंस हर किस्म का मौजूद है, मिसाइल उनके बराबर का मौजूद है, कई मिसाइल क्रूज मिसाइल हमारे पास उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। वाह वाह, क्या मदरसा छाप ज्ञान है, क्या ज्ञान है भाई मदरसे का, क्या ज्ञान है भाई, लाजवाब। जो बाबर क्रूज मिसाइल है, क्या हमें उस जंग में तालिबान की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, हम खुद काफी हैं। भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगी। तो इन पाकिस्तानियों की थोड़ी सी गलतफहमी करते हैं, अब दूर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर जंग होती है तो 2000 का जो डेटा है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारत की आर्मी पूरी दुनिया के अंदर चौथे नंबर पे मोस्ट पावरफुल आर्मी है, जबकि पाकिस्तान की 9th नंबर पे है। क्या बात है, एक 9 नंबर वाली आर्मी एक 4 नंबर वाले आर्मी से भिड़ेगी तो उसका क्या हल होगा, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, अगर जिसके पास थोड़ी सी भी अकल है वो इस बात का आंसर अच्छे से जानता है। सही बात है। और रही दूसरी बात जंग लड़ने की, तो तुम जंग लड़ने की हैसियत में ही नहीं हो अगर तुमने जंग शुरू भी करी भारत के साथ में, हालांकि तुम ऐसा करने से तो रहे, अगर तुमने करी शुरुआत तो तुम 10वें दिन ही ढेर हो जाओगे, तुम्हारे पास ना तो इतना असलाह है, ना इतना राशन है, ना इतनी सुविधा है, ना ही इतना पैसा है, और चाइना भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, चिंग चोंग ची। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर अपना काम हो जाता ख़त्म, और आप लोगों को क्या लगता है वो फिर आप तो कमेंट सेक्शन तो सिर्फ आप ही का है, और यहाँ के आप बादशाह तो बादशाह पे अपनी 3-4 कमेंट करके दावा ठोक दीजिए आगे का क्या सोचा है। और भाई का इंस्टाग्राम भी है, एक ब्लॉग चैनल भी है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक को फॉलो कर लो, एक को सब्सक्राइब कर लो।
भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।